एक प्रश्न है, घर में उपयोग होने वाले मसाले लहसुन, हल्दी, मिर्च, अदरक से होने वाले शारीरिक लाभों का विस्तृत चर्चा कीजिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, घर में उपयोग होने वाले मसाले लहसुन, हल्दी, मिर्च, अदरक से होने वाले शारीरिक लाभों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, घरों में उपयोग होने वाले मसाले लहसुन, मिर्च, अदरक से होने वाले शारीरिक लाभ निम्न हैं। देखते हैं निम्न। पहला आता है मसाले। मसाले ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग भोजन को स्वादिष्ट एवं खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मसाले ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग भोजन को स्वादिष्ट एवं खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। मसालों का युक्त निर्वक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रारंभिक काल से ही किया जा रहा है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इविष्ट वह स्थान है जहां पर सर्वप्रथम मसालों का उपयोग किया गया था। भारत वर्ष को प्राचीन काल से ही मसालों का परंपरागत प्राप्त स्थान माना जाता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। थोड़ा समय 5 सेकंड के लिए यहाँ पे, लगभग 15 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकूँगा। यदि आप लोगों की क्वालिटी नहीं सही आ रही हो तो यहाँ पे 3 डॉट दिया होगा या सेटिंग का ऐसा कुछ करके सिंबल दिया होगा, आप वहाँ पे टच करेंगे। उसके बाद क्वालिटी लिखा होगा, क्वालिटी में आप टच करेंगे तो 240p लगा लीजिए या कि 360p लगा लीजिए, आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, मसाले ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग भोजन को स्वादिष्ट एवं खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। मसालों का युक्त निर्माक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रारंभिक काल से ही किया जा रहा है। ठीक है, फिर परंतु ऐसा माना जाता है कि इविष्ट वह स्थान है जहां पर सर्वप्रथम मसालों का उपयोग किया गया था। भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही मसालों का परंपरागत प्राप्त स्थान माना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिख पाए होंगे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर दिया है मसालों का महत्व। तो पहला है, मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। पहला महत्व लिख लीजिए, मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे आप लोग मेरे साथ ही लिखेंगे, ये भोजन को विशेष सुगंध प्रदान करते हैं। ये भोजन को विशेष सुगंध प्रदान करते हैं। फिर तीसरा है, मसालों का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तीन महत्व। पहला, मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। दूसरा, ये भोजन को विशेष सुगंध प्रदान करते हैं। और तीसरा, मसालों का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लहसुन पे आते हैं। ठीक है, तो लहसुन पे आते हैं। देखिए, लहसुन प्याज कुल की एक प्रजाति है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेटियम है। लहसुन पुरातन काल से दोनों पाक और औषधि प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसकी एक खास गंध होती है तथा स्वाद में तीखा होता है। यहाँ तक एक बार आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। फिर से पढ़ता हूँ, लहसुन प्याज कुल की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेटियम है। लहसुन पुरातन काल से दोनों पाक और औषधि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसकी एक खास गंध होती है तथा स्वाद में तीखा होता है, जो पकाने से काफ़ी हद तक बदल कर मृदुल हो जाता है। इसमें पाया जाने वाला सल्फर के यौगिक होते हैं। ठीक है, इसके तीखे स्वाद और गंध के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे एलिसिन, एजोइक इत्यादि। लहसुन सर्वाधिक तीन में
उत्पत्ति होती है, इसके बाद भारत में इसका उत्पाद होता है। मैं तक आप लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा मैं 15 सेकंड के लिए रुकूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब स्वास्थ्य के लिए लहसुन के लाभ, तो यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य के लिए लहसुन के लाभ। प्याज की तरह लहसुन के भी अनेक लाभ हैं, प्याज की तरह लहसुन के भी अनेक लाभ हैं। इसकी उपस्थिति एलिसिन रसायन शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा को जलाता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, प्याज की तरह लहसुन के भी अनेक लाभ हैं। इसमें उपस्थित एलिसिन रसायन शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा को जलाता है। यह हृदय को मजबूत बनाने के साथ साथ फ्लू दांतों के दर्दों में भी उपयोगी है। यह ब्लड शुगर को भी कम करने में लाभदायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह हृदय को मजबूत बनाने के साथ साथ फ्लू दांतों के दर्द में भी उपयोगी है। यह ब्लड शुगर को भी कम करने में लाभदायक है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। शो में आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हल्दी। ठीक है, तो हल्दी को पढ़ता हूँ मैं। हल्दी एक शाकीय पौधा है, हल्दी एक शाकीय पौधा है जिसके प्रकंद का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसकी उपपत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई थी। इसकी खेती गर्म एवं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई थी। इसकी खेती गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाले भागों में की जाती है। पौधों की पत्तियों को सुखाने के पश्चात खोदकर प्रकंद का भाग बाहर निकाल लिया जाता है। इस भाग का उपयोग खाने योग्य हल्दी बनाया जाता है। मैं एक बार फिर से हल्दी का पढ़ रहा हूँ। हल्दी एक शाकीय पौधा है जिसके प्रकंद का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसकी उपपत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई थी। इसकी खेती गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाले भागों में की जाती है। पौधों की पत्तियों को सुखाने के पश्चात खोदकर प्रकंद का भाग बाहर निकाल लिया जाता है। इस भाग का उपयोग खाने योग्य हल्दी के लिए बनाया जाता है। अब इसके हम लाभ देखेंगे, हल्दी के लाभ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ 10 सेकंड के लिए मात्र। आगे चलते हैं। लाभ, हल्दी एक महत्वपूर्ण खाद अनुबंध है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पीला रंग देने व स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहला लाभ है, हल्दी एक महत्वपूर्ण खाद्य अनुबंध है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पीला रंग देने व स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा, हल्दी में उत्तेजक वाताहर एवं फफोत्सारक गुण होते हैं, अतः इसका उपयोग सर्दी जुकाम के इलाज में किया जाता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हल्दी में उत्तेजक वाताहर एवं फफोत्सारक गुण होते हैं, अतः इसका उपयोग सर्दी जुकाम के इलाज में किया जाता है। इसका तीसरा लाभ, इसमें प्रतिजैविक गुण होते हैं, अतः त्वचा एवं चेहरे पर इसका लेप किया जाता है। तीसरा लाभ, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें प्रतिजैविक गुण होते हैं, अतः त्वचा एवं चेहरे पर इसका लेप किया जाता है। चौथा लाभ है, हल्दी को आयुर्वेद में उत्पन्न गुणकारी औषधियों गुणों से मुक्त माना जाता है। चौथा उपयोग,
हल्दी को आयुर्वेद में उत्पन्न गुणकारी औषधियों गुणों से युक्त माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिर्च। मिर्च झाड़ी के समान छोटा पौधा होता है, जिसे प्रायः ठंड के मौसम में उगाया जाता है। मिर्च के फल प्रारंभ में हरे तथा परिपक्व होने पर लाल रंग के हो जाते हैं। मैं शुरू से फिर से पढ़ रहा हूँ। मिर्च झाड़ी के समान छोटा पौधा है, जिसे प्रायः ठंड के मौसम में उगाया जाता है। मिर्च के फल प्रारंभ में हरे तथा परिपक्व होने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इन फलों का स्वाद तीखा होता है। इसे सूखा कर संग्रहित करते हैं। सूखे फलों को साबुन या पीस कर खाद्य पदार्थ को तीखा बनाने के लिए किया जाता है। अब इसके हम लाभ देखेंगे। पहला लाभ है, मिर्च के फसलों में विटामिन ए तथा कुछ मात्रा में विटामिन ए व ई भी पाए जाते हैं। पहला लाभ, मिर्च की फसलों में विटामिन ए तथा कुछ मात्रा में विटामिन ए व ई भी पाए जाते हैं। दूसरा लाभ, उत्तेजक एवं वताहर गुणों के कारण औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तेजक एवं वताहर गुणों में के गुणों के कारण औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, कच्चे एवं पक्के फलों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। कच्चे एवं पक्के फलों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। चौथा देखते हैं, पक्के फलों का उपयोग फिर पक्के फलों का उपयोग अचार व सॉस बनाने में किया जाता है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट या कि थोड़ा सा रोक के देख लेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार सूरज दिखा देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को। घरों में उपयोग होने वाले मसाले लहसुन हरदी मिर्च अदरक से होने वाले शारीरिक लाभों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। लहसुन देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और हमारे यदि आपको उपयोगी वीडियो लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।